अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो के अंदर हमने दुनिया के अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ लोग इकट्ठा किए और प्लस मैंने कुछ अपने सब्सक्राइबर्स को चूज किया और इन सबको करने जा रहे हैं हम इनवाइट, कौन बनेगा हजार पति में, और देखते हैं कौन मेरे सवालों के सही सही जवाब दे सकता है और जीत सकता है पूरा 1,00,000 रुपए। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो में और लेट्स सी हु विल बी आवर फर्स्ट कंटेस्टेंट। अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे साथ आ गए हैं छोटे छोटे बच्चे। अरे भाई, अरे छोटे छोटे बच्चे, तुम लोग स्कूल की छुट्टी करके क्या कर रहे हो? आज वीडियो में आने के लिए तुम आए हो। अब आपकी नंबर वन फैन भी आ रही है, मोमल उसामा। अरे भाई, ये कौन बच्ची आ गई, इतनी खूबसूरत बच्ची। हेलो हैंडसम बॉय, क्या हाल है, ठीक ठाक है आप? I'm fine, आप सुनाए कैसे हैं आप? हाँ ठीक ठाक। क्या यूनिवर्सिटी छुट्टी कर आ गए हो भाई? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक, आप कैसे हैं, खैरियत से? वालेकुम सलाम, जी खैरियत से हैं। मैं इंडिया से हूँ। इंडिया से? I'm from Brazil. Oh, from Brazil. Brazil is really beautiful, like their people. तो हम लोग खेल रहे हैं कौन बनेगा हजारपति अपने शो के अंदर। हाँ, ये थोड़ा सा करोड़पति का सस्ते वाला वर्जन है और इसके अंदर हम जो है ना छोटे छोटे पैसे बांटते हैं लोगों को। Jesse, do you know about who wants to be a millionaire? Oh, who wants to be millionaire? Yes, yes. So the name of my game show is Who Wants to be a Thousandaire? Okay. तो बेटा आप लोगों से मैं पूछने जा रहा हूँ सवाल, क्योंकि आप स्कूल नहीं गए ना, तो आपकी स्कूल टीचर ने मुझे फोन करके बोला है कि यार इनसे सवाल पूछो, ये स्कूल नहीं आया। पहला सवाल मैं आप लोगों से पूछने जा रहा हूँ और वो ये है कि 1983 के अंदर कौन सी टीम वर्ल्ड कप जीती थी क्रिकेट के अंदर? ऑप्शन दे दे। चलो ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, दो ऑप्शन दे रहा हूँ, वेस्ट इंडीज या इंडिया। इंडिया। बिल्कुल सही जवाब। 2009 में T20 वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीती थी? अभी ये वाला तो ऑस्ट्रेलिया जीती थी, वो वाली अपना पाकिस्तान है तो जीती थी। आर यू श्योर मिस्टर शाफे के पाकिस्तान जीती थी? जी जी जी, आई एम 100% श्योर, आई एम बिल्कुल सही जवाब। पाकिस्तान 2009 का वर्ल्ड कप जीती थी गाइस। अरे 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 भाई, शाफे यू आर गोइंग विद द किलिंग स्प्री। मुझे बताइए कि 2003 का वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीती थी? पहला सवाल इजी ऑप्शन जी, सॉरी ऑप्शन देंगे आप इसमें? ऑप्शन मैं आपको देता हूं, 12 ऑप्शन आपको दे रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, जिम्बाब्वे और अबे साले बताइए 1999 का वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीती थी? 1999 का वर्ल्ड कप पता नहीं कौन सी टीम जीती। भाई वाह 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 वाह। मैं आपको इसके अंदर टोटल 6 ऑप्शन दे रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड। सात हो गए मेरे ख्याल से। कौन सी टीम जीती? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। मिस्टर राफे, आर यू श्योर अबाउट दैट कि ऑस्ट्रेलिया जीती थी? क्या इसको मैं लॉक कर दूं? जी इसको आप लॉक कर दो। मिस्टर राफे मुबारक हो, आप जीत चुके हैं पूरा 1,000 रुपए। ओ हो हो हो। 1996 के अंदर कौन सी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीती थी? नाम बता दें भाई। ऑप्शन भाई, टोटल 12 ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, जिम्बाब्वे, केनिया। यार ऑप्शन दे देगी हर बंदा जीत रहा है और मैं यहाँ पे कंगला होता जा रहा हूँ। मैं मिस्टर बीस्ट बनने निकला था, एंड में जो है ना वो राजपाल यादव ना बन जाऊँ मैं, हेरा फेरी वाला। अच्छा मैं आपको ऑप्शन देने जा रहा हूँ मिस्टर तहा। हाँ जी, ऑप्शन आपका ऑप्शन है पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया। लॉक कर दें इसको? कर दें। बिल्कुल सही जवाब, आप तहा जीत चुके हैं 1,000 रुपए इस वक्त। चलो मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी इंडिया। श्रीलंका। और बिल्कुल सही जवाब। There is another question related to football. Tell me, Cristiano Ronaldo belongs to which country? Oh, Portugal. Oh, really amazing that is. मुझे बताइए कि 1+1 multiplied by 0 is equals to what? 2. बहुत ही मुश्किल सवाल, देखते हैं क्या जवाब दे पाएंगे। 1. नहीं, anything multiplied by 0 is 0. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। Okay, 1. Simple and very smooth. That's the right answer. बिल्कुल सही जवाब। और मायरा जीत चुकी हैं सोकत
3,000 रुपए। अफसोस के साथ सर ये बिल्कुल गलत जवाब है, लेकिन मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा, मैं आपको दूंगा एक और मौका और मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ एक और सवाल। तो बताइए सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? ऑप्शन है या नहीं? हाँ ना ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मरकरी और उसके बाद है वीनस, फिर है अर्थ, फिर है मार्स, फिर है जुपिटर, फिर है सैटर्न, फिर है यूरेनस, फिर है नेपच्यून, उसके बाद प्लूटो भी लगा लो। वीनस, मार्स, यस, जुपिटर। आई थिंक जुपिटर, आई थिंक जुपिटर है। आर यू श्योर मिस्टर शाफे? जुपिटर। और जुपिटर बिल्कुल सही जवाब, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जुपिटर इज द राइट आंसर। मिस्टर शाफे 1,000 रुपए जीत चुके हैं आप, जबरदस्त, वेरी गुड, थैंक यू। कैसा लग रहा है भाई जीत के? बहुत खुशी हो रही है जी, बहुत खुशी हो रही है। इंशाल्लाह अब आगे जीतेंगे, इंशाल्लाह मुझे जीतेंगे। मुझे बताइए कि who is the founder of India? इंडिया का फाउंडर कौन है? Who is the founder of India? मेरे ख्याल से तो गांधी जी। बिल्कुल सर, जब आप जीत चुके हैं पूरा 1,000 रुपए। अच्छा अगर मैं आपको एक बात बता दूं मायरा, अगर आप हार गईं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सो आर यू रेडी फॉर दिस? मायरा आप मुझे बताइए कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्शन चाहिए? चले मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ मायरा। ऑप्शन ए H2SO4, ऑप्शन बी H3SO5 या ऑप्शन सी H4SO6। मैं भी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो आई गेस आंसर ए H2SO4। ओह माय गॉड, ये लड़की कुछ अनोखी है। अरे भाई, अरे उस्ताद, ये लड़की कुछ अलग है। ये है इंटेलिजेंट गर्ल अपने स्कूल की, जिसने 8वीं 9वीं का जवाब बता दिया है हमें 5वीं क्लास में ही। मिस्टर साहब मुझे बताइए कि वेनेडियम पेंटोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? वेनेडियम पेंटोक्साइड अभी पढ़ा नहीं है। अच्छा इसमें घबराए मत, मैं इसमें आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए PO4, ऑप्शन बी V2O5, ऑप्शन सी V3O6 या ऑप्शन डी V4O7। एक बार जरा नाम बोलिए केमिकल फॉर्मूला का। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। V2O5। यार मुझे लग रहा है इसके पास कोई है, ये को गूगल शुगल कर रहा है। बिल्कुल सही जवाब मिस्टर ताहा, आप जीत चुके हैं 5,000 रुपए इस वक्त। वो जो फाइव V2O5, बिल्कुल सही जवाब, आप जीत चुके हैं इस वक्त पूरे 5,000 रुपए और यू आर गोइंग विद द किलिंग स्प्री मिस्टर। मिस्टर शाफे अगला सवाल पूछने जा रहा हूं मैं 5,000 के लिए, लेकिन अगर आपने गलत जवाब दे दिया तो सारे पैसे माइनस, कुछ भी नहीं मिलना आपको। सारे पैसे माइनस मतलब आधे भी नहीं मिलेंगे? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप क्विट करना चाहते हो 3,000 और चले जाओ। नहीं मैं अभी तो खेलूंगा इंशाल्लाह। चलें भाई 5,000 के लिए अगला मुश्किल सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। दुनिया पे जो ग्रेविटी की रफ्तार है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड, मून पर कितनी है, चांद पर कितनी है? चांद पर कितनी हो सकती है अपना? और it's really hard, I think maybe 1.5, no 6. ग्रेविटी की चांद पे, मून पे तो ग्रेविटी रहती थी ना? आर यू श्योर अबाउट दैट? एक सेकंड, जीरो। कंप्यूटर जी जीरो को लॉक किया जाए। और बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। जो ग्रेविटी है मून के ऊपर वो है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे 25 भी है, 1.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सर बहुत अच्छा खेला आप लोगों ने हमारे साथ, और आपके साथ खेलकर मजा ही आ गया। सर असूलन तो अब आपको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि 3,000 के बाद अगर आप क्विट नहीं करते तो आपका सारा अमाउंट चले जाता, लेकिन फिर मैं आपको दूंगा पूरे 5,000 रुपए जो आपने जीते हुए हैं। तो इसको डॉलर में अगर हम कन्वर्ट करें तो बनते हैं टोटल $16, लेकिन मैं तो पूरा राउंड फिगर करके मैं आपको भेज रहा हूँ पूरे $20, चाहे चिल मारे ऐश करें। 1.6 Are you sure के 1.6 है मिस्टर शाफे जी?
बिल्कुल सही जवाब, आप जीत चुके हैं 5,000 रुपए। That's the right answer. Congratulations. पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था ये बताइए आप। मुश्किल सवाल होते जाएंगे। ऑप्शंस हैं इसमें? ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं है, अब आपको जो है ना ध्यान लगाना है। कैसे लग रहे मुझे तो। बेटा अपना हाथ इधर रख, ये गूगल शूगल नहीं करने का। मैं वैसे ही बहुत पैसा हार चुका हूँ अब तक, ज्वारी बन चुका हूँ मैं। मोहम्मद अली जी ने। बेटा ये नीचे यार, ये नीचे दिखा यार, ये मुझे लग रहा है ये भाई तू चीटिंग कर रहे हो यार। ये नहीं नहीं कुछ भी नहीं, ये मोबाइल वोबाइल अगर छुपाने वुपाने की ना बेटा, कसम खा बोल के कोई मोबाइल नहीं है। नहीं कसम से कोई नहीं। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल पाकिस्तान का पहला कौन था? ऑप्शन देंगे इसमें या मैं खुद बताऊं? ये आपको खुद बताना पड़ेगा। थोड़ा लाइफलाइन यूज कर सकते हैं? लाइफलाइन इसमें कुछ नहीं है, लाइफलाइन यही है कि इंटरनेट चल रहा है, जैसे इंटरनेट डिस्कनेक्ट आपका पैसा भी गया। अच्छा ऐसा है। तो मोहम्मद अली जिन्ना इज द राइट आंसर। कायदे आजम लग रहे हैं थोड़ा, तो लॉक कर दूं मैं इसको? कर दे। और बिल्कुल सही जवाब, कायदे आजम पहले गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के। जी मेरा आइडिया है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ही होंगे। मिस्टर राफे मुबारक हो। आप मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान का कैपिटल सिटी कौन सा है? इस्लामाबाद। अगर आपने मुझे बता दिया कि इस्लामाबाद कौन से प्रोविंस में है, तो ये 5,000 को 10,000 रुपए कर दूंगा। मुझे प्रोविंस बता दें कौन से प्रोविंस में इस्लामाबाद। वो तो कैपिटल होता, किसी प्रोविंस में नहीं होता। ओह माय गॉड, ये लड़की है या आइंस्टाइन का जो है लड़कियों वाला वर्जन। मायरा मैं आपको जो है आपका 15,000 रुपए भिजवा रहा हूँ आपके अकाउंट पे, तो खुश हो जाइए मायरा आप। मुझे बताइए कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले जाने वाले इंसान का नाम क्या है? कौन सा ऐसा आदमी है जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर गया है? नाम बता दें बस उसका। Oh my God, it's difficult. I have no idea. Don't you have options? Yeah, let me give you options. Edmund Hillary, John Logie Babbitt, Miller Josh. I think option A, Neil Armstrong. Are you sure कि नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर गए थे? माउंट एवरेस्ट नहीं हो सकता। जी कंप्यूटर जी, नील आर्मस्ट्रांग को लॉक किया जाए जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे गए थे, और बताएं कि क्या ये सही जवाब है या नहीं? Well, I know Neil Armstrong, he wasn't. So I'm between the first and the third. और ये बिल्कुल गलत जवाब मिस्टर शाफे, बिल्कुल गलत। फाइनली मिस्टर शाफे, व्हाट योर डेट पर सबसे पहले जाने वाले आदमी का नाम था एडमंड हिलरी गाइस। The first one, A. Oh, the first one is the right answer. Okay. You win the game. मिस्टर शाफे अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आप हार गए और आपको हम कुछ भी नहीं देंगे, सॉरी। अरे वे प्लान पे तो मिलने चाहिए दोस्त। तो मिस्टर शाफे चले मैं आपके लिए एक जबरदस्ती चीज करता हूँ। आप आपकी रिहाइश कहाँ है? ये मैं डिफेंस में रहता हूँ। डिफेंस में, तो मिस्टर शाफे आप मुझे अपना एड्रेस भेज सकते हैं और हम आपको करेंगे इनवाइट अपनी एक क्लब हाउस पार्टी के अंदर, जहां पे हम लोग करेंगे बूफे डिनर एक साथ। भाई आइंस्टाइन का एक बहुत ही मशहूर फॉर्मूला था E=2, अब मुझे बता दीजिए आगे क्या है? MC²। अबे भाई, अबे भाई, ओ ओ भाई, ओ भाई। गाइस ये बंदा मुझे बर्बाद करने के लिए आ गया है। Who invented television? बस पता नहीं कौन सा महाशय हमारे परेशान कर गया। चलो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं तहा इसमें भी। ऑप्शन ए जॉन लॉगी बैरेट, दूसरा ऑप्शन है जॉन अहमद, तीसरा ऑप्शन है जॉन अब्राहम। जॉन लॉगी बैरेट, जॉन लॉगी बैरेट। बाकियों से तो यही सही लग रहा है, उम्मीद है कि सही हो। I think the third, John. That's the right answer. Congratulations. Really? अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप सही जवाब देते देते मेरा अकाउंट खाली करवा गए, और बिल्कुल सही जवाब मिस्टर तहा। अब आप मुझे बताइए आप और खेलना चाहते हैं, क्विट करना चाहेंगे? क्योंकि अभी भी हार जाओगे तो सारा पैसा गया आपका। भाई मैं क्विट कर लूंगा, मैंने 13,000 की शॉपिंग करनी है अभी। 13,000 पे क्या मैसेज आ गया आपके पास?
जी आ गया मेरे पास मैं आपको लग रहा था कि कोई फेक आदमी कर रहा होगा, बट आई एम मिस्टर एसटी, बहुत पैसा आ गया है, मैं अंधा हो गया हूँ पैसों में, मैं पागल हो चुका हूँ इस वक्त, मेरे पास वो आ गई है, काफी है मेरे लिए इतना। अरे मिस्टर तहा, मेरे पास इस वक्त इतना पैसा, ये देखो मैं सर्दियों के अंदर एसी चलाता हूँ, ये देखो। Who is the founder of crypto? क्रिप्टो भाईजान वाला आदमी का नाम बता दें भाई, किसने ये क्रिप्टो जैसी चीज बनाई? इसका मुझे नाम पता है यार, एक मिनट, इसका नाम है सतोशी करके कुछ है यार बंदा ना, क्या था यार ये, नाकामोटो सतोशी। मिस्टर रफे ध्यान लगाइए, सही नाम Hello. सही नाम बताना है अपने, अगर आपने मुतू शुतू की जगह कुछ और लगा दिया तो ये गलत जवाब हो जाएगा और आप हार जाएंगे, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट सही जवाब मुझे देना है। ये है नाकामोटो सतोशी। आर यू श्योर मिस्टर राफे, क्या इसको लॉक कर दूं मैं? क्या बताया आपने नाम? सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो, इसको मैं लॉक कर दूं? अगर हल्का सा भी गलत हुआ तो आप गए, सब पैसे गए। नाकामोटो नहीं है, सतोशी नाकामोटो। मोटू, हाँ सतोशी नाकामोटो। मोटो, तो कंप्यूटर जी सतोशी नाकामोटो को लॉक किया जाए और बताएं कि भाई क्या ही इज द फाउंडर ऑफ क्रिप्टो और नॉट। ओ माय गॉड मिस्टर राफे, बिल्कुल सही जवाब, सतोशी नाकामोटो इज द राइट आंसर। बताइए कि वर्ल्ड वॉर टू कब खत्म हुई थी? ये आई थिंक 1940s के अंदर ही हुआ था ये, बट एक्यूरेट याद नहीं आ रहा, 1945। आर यू श्योर मिस्टर राफे के 1945 में खत्म हुई थी, क्योंकि दो साल बाद पाकिस्तान बना है? आई थिंक क्योंकि वर्ल्ड वॉर जब एंड हुई थी तो इसमें पाकिस्तान से कोई 1945 मतलब था, लेकिन ये 1945 में आप इसको लॉक कर दें। मिस्टर राफे मुबारक हो, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब 1945। अगर आपने मुझे बता दिया कि 1945 की कौन सी डेट को ये एंड हुई थी तो मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा पूरे। डेट बतानी? डेट बतानी, डेट बता दो, 50,000 रुपए लो, कहानी खत्म, बस डेट बताओ किस डेट को एंड हुई थी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, 50,000 दे रहा हूँ ना इसलिए। ये आई थिंक सितंबर का मंथ था, बट डेट सेकंड नवंबर अप्रैल। मिस्टर वासिक ने गूगल कर लिया है, लॉक कर दिया जाए मिस्टर वासिक इसको 2 अप्रैल को। और वासिक मुबारक हो, आप नहीं जीते ये, शुक्र या अल्लाह पर शुक्र है भाई, अपन तो बच गया वरना 50,000 का पटखा अभी पड़ जाता। 13,000 रुपए आप जीत चुके हैं, तो अपने किसी भाई का, बहन का या वालदेन का मुझे जो है अकाउंट नंबर चैट बॉक्स में सेंड कर दीजिए और मैं आपको पूरे 13,000 रुपए ट्रांसफर कर देता हूं अभी के अभी। 2 सितंबर इसका आंसर है, 2 सितंबर। पैसा बर्बाद। एक्सीलेंट ब्रो, एक्सीलेंट। मैं ही पागल था जो मिस्टर राफे से ये सवाल पूछने के लिए गया। Here is your last question for 1 lakh rupees. Tell me the author name of famous book Harry Potter. Harry Potter का जो नोवेल है, मैं कह रहा हूँ आप मुझे ऑप्शन दे सकते हैं? मिस्टर राफे मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, या ऑप्शन ए A.K. रोलिन, ऑप्शन बी B.K. रोलिन, ऑप्शन सी F.K. रोलिन या ऑप्शन डी J.K. रोलिन। आपको लगता है कि J.K. रोलिन होगा? जी, क्योंकि मैंने काफी शौक से देखी हैरी पॉटर और मेरा काफी इंटरेस्ट भी था, बस ये था कि मुझे थोड़ी नाम में कंफ्यूजन थी तो आपने ऑप्शन बता के मुझे सही कर दी है, तो वो है ऑप्शन डी J.K. रोलिंग। तो गाइस मैं बताना चाहता हूं कि मैं हो गया बर्बाद और राफे भाई जीत चुके हैं पूरा 1 लाख रुपए, फाइनली सारे सवालों के सही जवाब दे दिए मिस्टर राफे ने। मिस्टर राफे कैसा लग रहा है आपको? फाइनली यू विन द जैकपॉट ऑफ 1 lakh rupees. Oh my god, really amazing. Thank you very much for everything. I feel glad to participate of your show and I really enjoy it. बहुत अच्छा, बहुत ऑसम, बड़ा मजा आया आपके साथ खेल के। तो मिस्टर राफे फाइनली आप जीत चुके हो पूरा 1 लाख रुपए, तो भाई आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह आप मुझे भेज दीजिए चैट बॉक्स पे, तो मैं आपको पैसे जो है ना वो ट्रांसफर कर देता हूँ। मिस्टर HD, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे और मुझे आपकी ऑलमोस्ट सारी वीडियो बहुत अच्छी लगी है, और मैं चाहता ये हूँ कि आप ये जो मेरा विनिंग प्राइज है ये मुझे ना दें, ये
बल्कि मुझे आप अपनी वीडियो में लेके आएं ताकि आपके साथ मैं आपकी वीडियो पे आपके साथ काम करूं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ वीडियो पे आना। बहुत अच्छे इस कंडीशन पे, मैं दे रहा हूं इस कंडीशन पे, क्या मुझे अपनी वीडियो पे लेके आएंगे? सही है मिस्टर राफी, ये तो बहुत ही जबरदस्त हो गया गाइस कि हमारे पैसे बच चुके हैं इस वक्त फाइनली, क्योंकि राफी भाई ऑलरेडी इतने बड़े जो है वो बिजनेसमैन है, उन्होंने कहा कि यार मैं पैसे रख के क्या करूंगा। तो मिस्टर राफी बहुत अच्छा लगा आपके साथ खेलकर। मुझे भी आपके साथ अभी गेम खेल के बड़ा अच्छा लगा, एंड आप बहुत अच्छे नेचर के पर्सन है, एंड आई होप कि हम दोबारा मिलेंगे वीडियो पे इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह, बस आपको मैं सारी शूट के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज। तो गाइस फाइनली हमारा जो गेम शो है वो खत्म होता जाता है। मेरे पास और भी काफी ज्यादा इंटरव्यूज पड़े हुए थे जो मैंने दिखाए ही नहीं, वो डालेंगे हम अपने सेकंड पार्ट के अंदर। और इस सीरीज का सबसे ग्रैंड कॉम्पिटिशन होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा भाई 1000 लाइक का टारगेट आपको करना होगा, और फिर मैं करवाऊंगा इंडिया वर्सेज पाकिस्तान द ग्रैंड कॉम्पिटिशन। 5 लोग इंडिया से, 5 लोग पाकिस्तान से, और दोनों देंगे सवालों के जवाब। जो जीतेगा वो जीतेगा हमारा ग्रैंड प्राइज। तो ये ग्रैंड एक कॉम्पिटिशन होने वाला है, और उसके लिए कर दो भाई 1000 लाइक। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा अच्छा फीडबैक दीजिए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।